गाइज यह है वेरिवो इलेक्ट्रिक की तरफ से आने वाली नेक्सा डीएस इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आपको थ्री व्हील में देखने को मिल जाता है। वैसे तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को हर कोई चला सकता है, लेकिन गाइज इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को खास करके उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो हैंडीकैप हैं, एजेड पर्सन हैं, उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो गाइज अगर आप भी एक ऐसे ही इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करने की प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम इस इलेक्ट्रिक स्कूटर से रिलेटेड आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि इसकी बैटरी कैपेसिटी क्या है, मोटर पावर क्या दिया गया है, इसमें आपको फीचर क्या क्या देखने को मिलेगा, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको किस प्राइस पॉइंट पर मिलने वाली है, और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो कहाँ से और कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके लुक एंड डिज़ाइन की, तो इसकी जो लुक है वो आपको एक नॉर्मल स्कूटर के जैसा ही देखने को मिलेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके रियर में आपको डबल पहिए देखने को मिल जाते हैं। और गाइज अगर आप इसको फ्रंट से देखते हैं तो ये लगेगा ही नहीं कि ये थ्री व्हील स्कूटर है। इसके अलावा अगर बात करें फ्लोर बोर्ड की, तो फ्लोर बोर्ड पर भी आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है जहां आप सिलेंडर वगैरह आराम से रख सकते हैं। और अंडर द सीट भी आपको अच्छा खासा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसकी जो बैटरी पैक है वो फ्लोर बोर्ड के नीचे ही फिट किया गया है, जिससे आपको अंडर द सीट भी स्टोरेज कैपेसिटी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके सस्पेंशन और व्हील की, तो फ्रंट में टेलीस्कोपी फॉक्स सस्पेंशन दिया गया है, रियर में आपको ड्यूल स्प्रिंग शॉक ऑब्जर्वर देखने को मिल जाता है। टायर सेक्शन की बात करें तो इसमें तीनों के तीनों आपको 10 इंच के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है अलॉय व्हील के साथ। और ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसके फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया गया है, रेयर में आपको ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलेगा। लाइटिंग की बात करें तो हेडलैम्प, टर्न इंडिकेटर से लेकर टेल लाइट सारे के सारे आपको एलईडी में ही देखने को मिलेगा। तो गाइस ये तो बात हो गई लुक एंड डिजाइन की, अब बात करते हैं इसके मेन कंपोनेंट की, इसके बैटरी की और इसके मोटर की। तो अगर बैटरी की बात करें तो इसमें 60 वोल्ट 28 एएच का लेड एसिड बैटरी पैक दिया गया है, जिसके मदद से इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 60 से लेकर 70 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है सिंगल चार्ज पे। और गाइस इसमें लिथियम आयन बैटरी पैक का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लिथियम आयन बैटरी पैक के साथ परचेज करते हैं तो इसकी प्राइस आपको 79,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। और अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेड एसिड बैटरी पैक के साथ परचेज करते हैं तो इसकी प्राइस आपको 66,000 रुपये तक का देखने को मिल जाएगा। मोटर की बात करें तो इसमें 1000 वाट का मोटर दिया गया है, जिसके मदद से इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 40 से लेकर 45 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड प्रोवाइड करता है। यहीं पे अगर बात करें इसके मीटर कंसोल की, तो इसमें आपको कुछ इस प्रकार का डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, राइडिंग मोड, रिवर्स मोड, बैटरी पावर इंडिकेटर, एंटी थेफ्ट एलर्म जैसे फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप फिजिकल की के साथ साथ रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज करना चाहते हैं तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इसकी बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने से नज़दीकी वेरिवो के शोरूम पे भी जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो गाइज आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको